दोस्तों, बैक डेटेड डिग्री के बारे में आपने सुना होगा कि बैक डेटेड डिग्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर सीधा सीधा अगर ये कहा जाए कि बैक डेटेड डिग्री फर्जी होती है, तो कोई इसमें बड़ी ताजुब की बात नहीं होगी, क्योंकि बैक डेटेड डिग्री का जो अस्तित्व है वो इतना ही होता है, जब तक यूनिवर्सिटी स्कैम में नहीं फंसती तब तक आपकी डिग्री वैलिड रहती है। जिस दिन यूनिवर्सिटी स्कैम में फंसती है, तो सबसे पहले जो बैक डेटेड डिग्री है उन्हें ही कैच किया जाता है। यानी कि जब यूनिवर्सिटी में कोई स्कैम होता है, तो जब उसकी जांच होती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी ने कितने लोगों को डिग्रियां दी और यूनिवर्सिटी के पास कितने लोगों का अप्रूवल है। उन दोनों में से जब ये देखा जाता है कि जो क्रॉस डिग्री होती है उन्हें बैक डेटेड डिग्री कहते हैं या फिर फर्जी डिग्री कहते हैं। दोस्तों, ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं जो लगातार इस कार्य को कर रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपने भी बैक डेटेड डिग्री ले रखी है और आप किसी जॉब को या तो कर रहे हैं या फिर जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आपको उस डिग्री का यूज करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, अन्यथा आपके सामने परेशानी आ सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, बैक डेटेड डिग्री के बारे में हमने आपको काफी बताया कि बैक डेटेड डिग्री का जो अस्तित्व है वो कुछ समय के लिए रहता है, यानी कि यूनिवर्सिटी जब तक स्कैम में नहीं फंसती बैक डेटेड डिग्री वैलिड रहती है, क्योंकि आजकल जो बैक डेटेड डिग्रियां मिल रही है वो सारी यूनिवर्सिटियों के द्वारा मिल रही है। जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है ये यूनिवर्सिटियां ही कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटियां एक प्राइवेट बॉडी होती है, इनके अंदर यूजीसी की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, लेकिन यूजीसी इनको छानबीन नहीं करती है, इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं करती है। इस वजह से इस चीज़ का ये बेनिफिट उठाते हैं और स्टूडेंटों को भ्रमित करते हैं कि हम आपको डिग्री दे रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट भी बेफिक्र हो जाता है कि हम जो डिग्री लेके आए हैं वो यूनिवर्सिटी ने दी है। तो ऐसे में स्टूडेंट के दिमाग में भी ये चलता है कि अगर यूनिवर्सिटी ने दी है तो वो ओरिजिनल ही होगी। लेकिन ये बैक डेटेड डिग्री के पीछे जो खेल रचा जाता है, जो ये पूरा सिस्टम जो चलता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बैक डेटेड डिग्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और अगर हम उसे बार बार जो फर्जी कहते हैं उसके पीछे क्या रीजन है। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक हम दे देंगे, आप उस वीडियो को पहले वॉच करना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसे में एक परेशानी ये है कि जिन स्टूडेंटों ने बैक डेटेड डिग्री ले रखी है और वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं या फिर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर बात करें जिन स्टूडेंटों ने हाल ही में बैक डेटेड डिग्री ली है और वो जॉब करने के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि जो लगे हुए हैं वो तो उनके साथ जो होगा या फिर कब होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी डिग्रियां ली है और कहीं जॉब करने की सोच रहे हैं, उन स्टूडेंटों का अगर कैरियर की बात करें या फिर उनके अगर वेरिफिकेशन की बात करें, मान लो किसी यूनिवर्सिटी से किसी ने बैक डेटेड डिग्री ली और उसने अपने डॉक्यूमेंट को किसी डिपार्टमेंट में यूज किया और वहां से जब उनकी वेरिफिकेशन गई और यूनिवर्सिटी में अगर 1% मना कर दिया, तो उस स्टूडेंट का कैरियर का क्या होगा? हम आपको आए दिन इसी चीज को लेकर अवेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि दोस्तों, बैक डेटेड डिग्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हालांकि बैक डेटेड डिग्री अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि प्राइवेट डिपार्टमेंट ज़्यादातर केसेज ऐसे होते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे में सिर्फ वो लोग आपको रिजॉइन करा सकते हैं, इसके अलावा वो आपके ऊपर लीगली अगर कार्रवाई की बात करें तो वो नहीं करते हैं, और ऐसे में जब लीगली कार्रवाई नहीं होती है तो स्टूडेंट का कैरियर एक बार तो बच जाता है। लेकिन अगर बात करें कि जिन स्टूडेंटों ने अगर डिग्री ले रखी है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस डिग्री को यूज कराना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि उन स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी से आरटीआई से वेरीफाई जरूर कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आरटीआई का यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आरटीआई का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें हम अगर बताएं कि फर्स्ट आरटीआई की अपील और सेकंड अपील जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ होती है, यानी कि ये तीनों प्रोसेस आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। अगर आपने इन तीनों प्रोसेस को अगर फॉलो कर लिया है, उसके बाद ही आपको उस डिग्री का यूज करना है। अगर बात करें प्राइवेट जॉब के लिए, तो दोस्तों प्राइवेट जॉब के लिए आप उस डिग्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर अगर मान लो यूनिवर्सिटी के पास वेरिफिकेशन गया, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट डिपार्टमेंट से जब कोई वेरिफिकेशन आता है तो उस
उसको वो पॉजिटिव कर देती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन में काफ़ी सारी परेशानियां आती है। ऐसे में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके की अगर बैकडेटेड या जुगाड़ वाली डिग्री अगर आपने ले रखी है तो सबसे पहले आपको आरटीआई से वेरीफाई करानी है। आरटीआई से अगर आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद आप उस डिग्री को यूज कर सकते हैं। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंटों के मन में एक डाउट रहता है कि अगर हमने आरटीआई से उस डिग्री को वेरीफाई करा लिया और मान लो उस डिग्री का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने हमें दे भी दिया तो क्या वो वैलिड होगी। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो भी किस तरीके से फर्जी हो सकती है। लेकिन कम से कम आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और आपके सामने जो एकदम से परेशानी आएगी उस परेशानी से काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। तो ऐसे में आप अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई डिग्री ले रहे हैं तो उसे आप वेरीफाई जरूर करा लें, क्योंकि यूनिवर्सिटियों से अगर एक बार डिग्री आपकी वेरीफाई हो गई तो आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे और यूनिवर्सिटी के खिलाफ आपके पास ऐसे एविडेंस रहेंगे जिससे आप निर्दोष साबित हो जाएं। क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटी जब भी किसी स्टूडेंट को स्कैम में फंसाती है यानी कि डिनाई करती है तो वो अपने उस डॉक्यूमेंट को डिनाई करती है और डिनाई करने के बाद सारा इल्लीगेशन स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है और ये मान लिया जाता है कि वो डिग्री स्टूडेंट ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने खुद ने तैयार की है। तो ऐसे में वो जो सारे सेक्शन जो आईपीसी के लगते हैं वो सारे आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने किसी भी प्राइवेट या किसी भी संस्थान से अगर इस तरीके की कोई डिग्री ले रखी है तो आपको उसे आरटीआई से वेरीफाई कराना है और उसके बाद ही उस डिग्री को यूज करना है। दोस्तों आज जो हमने आपको जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिए, क्योंकि हम ऐसी ही एजुकेशनल जानकारी लेकर आप लोगों को अवेयर करते हैं, आप लोगों को सावधान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।